राम राम भाई, सभी को आप सबका स्वागत है मैक्स देसी फिटनेस में। और आज चलते हैं भाई ऐसी जगह जहां दिग्गज पहलवान रहते हैं बहुत बड़े बड़े, वहां चल के आज आपको वहां का सीन दिखाते हैं जहां मैंने पहलवानी की है, गुरु हनुमान अखाड़ा। ठीक है भाई, तो चलते हैं गुरु हनुमान अखाड़े में। तो भाई ये है रोशनारा बाग, आ चुके हैं रोशनारा बाग में। सुबह सुबह क्या नज़ारा है भाई, दिखाता हूँ। ये देखो भाई क्या नज़ारा है भाई, मैक्सिमम 4-5 किलोमीटर में कर है ये, दिखाता हूँ इसकी सुंदरता। बहुत ही पुराना, तो भाई देखो सुबह की चहचहाहट चिड़ियों की कितनी प्यारी है। और भाई साफ सफाई चल रही है, भाई घनी सुंदरता है इसमें, तो घनी ज्यादा बेहद खूबसूरती पुराने जमाने की आज भी बरकरार है। और भाई ये दिल्ली में है रोशनारा बाग दिल्ली, ये कच्चे रास्ते से चलते हैं। ये बात, तो भाई ये देखो क्या नजारा है भाई, देखो ये मानो बहुत ही घना जंगल होता है ना जैसे, ऐसा है बाग बिल्कुल। ये देखो सुबह सुबह तो मजा आ गया था ना, है ना है? गेम चल रहा है, गेम तो वो चल रहा भाई, गेम पहलवान खेल रहे हैं उधर, वॉलीबॉल। तो भाई अंदर पहलवान वॉलीबॉल खेल रहे हैं मजे से, कोई दिक्कत नहीं है। यहीं पे मेहनत चल रही है भाई दबा के पहलवानों की, और दिखाते हैं अंदर चल के। तो भाई ये सारे जो पहलवान है ना, ये मंत्री पहलवान, ये जितने भी पहलवान है, साहब सिंह भाई, ये सब सीनियर के मेडलिस्ट पहलवान है। हमारे गौरप्पा जी बहुत बड़े पहलवान हैं, अनु चौधरी पहलवान है ना, उनके भतीजे हैं, ओलंपियन पहलवान के भतीजे हैं ये। और उधर सारे उधर जो खड़े हैं ना ये नेट से मिलके ब्लैक अपर में, वो विक्की पहलवान भारत केसरी, बेस्ट रेसलर हैं सारे अपने अपने वेट कैटेगरी के सारे। ठीक है भाई, तो भाई पहलवान खेल रहे नेट। और बात करें इस बाग की सुंदरता की, तो सुंदरता में कोई कमी नहीं है भाई, बहुत ही सुंदर है, बहुत गजब। ये देखो क्यों तरुण उठा रहे हो लुक्त पहलवानों के बीच, और ये घुल्ला पहलवान, पहलवान घुल्ला है कर दो जरा ये। तो भाई यहाँ पे बहुत मेहनत की हमने, रोज़ सुबह रनिंग करते थे, रोज़ डेली मेहनत किया करते थे। जब हम यहाँ मैंने यहाँ पे रेसलिंग की, बहुत मज़ा आता था, बहुत सारे पहलवान यहीं पे। अब तो आज तो कुछ भी पहलवान नहीं है, आधे तो अखाड़े में, आधे यहाँ पे। तो बहुत पूरा भर जाता था ये वाला पार्क जहाँ पे खेल रहे हैं, फुटबॉल भी यहीं पे खेला करते थे, वॉलीबॉल भी यहीं पे। और यहाँ पे सबसे बढ़िया बात क्या है, आँखों की आज भी सबसे पुरानी दवाई, 65-70 साल पुरानी दवाई। उधर अंकल एक हैं, आज तो मुझे दिख नहीं रहे लेकिन वो डालते हैं आँखों में दवाई डालते हैं, बहुत ही सस्ती देते हैं उसे, 20-25 रुपये में देते हैं उस दवाई को, मतलब लोगों की मदद करते हैं वो, कोई दिक्कत हो जाए जॉइंट में या कुछ भी उसके लिए भी वो दवाई देते हैं। पुरानी, बहुत पुरानी ज़माने की वो चीज़ें आज भी हैं। किसी दिन फिर से आऊँगा, वो मिलें तो मैं आपको मिलवाऊँगा अंकल जी से, बहुत बढ़िया आदत है। ठीक है, और आगे का दिखाते हैं चलो। तो भाई ये वो बाग है जिसमें से हम बाहर आए, और ये सारे मल्ल हैं पहलवान सारे, ये चड्डा पहलवान कौन, अरे नया रप है। देखो ये सारे पहलवान, ये सारे कमरे पहलवानों के हैं, और एक बहुत ही खास पहलवान से मिलाते हैं, ये है नासिर पहलवान भारत केसरी। और भारत केसरी का मतलब अगर आप ना जानते हो, तो भारत में जो टॉप हो जाते हैं ना
वो होते हैं भारत केसरी, ठीक है। और ये पहलवान का खाना पीना बनते हुए, ये पहलवान का रूम है और बरकरार मालिश चल रही है। एक आध दिन में पंजाब में कोई कुश्ती पड़ रही होगी, हमारे जो ना मालिश चल रहेगा जब, तो यहाँ से पंजाब तक ऑल इंडिया लड़े भाई। ऐसा ना कि यहाँ दिल्ली लड़ लिया या यूपी, तो देखो भाई यू ही रुतबा हो पहलवानों का, मल्ल का यही रुतबा होता है। एक भारत केसरी होना भाई बहुत गर्व की बात है। और बात कमरे की रही तो पहलवान ऐसे ही रूम में अपना जीवन बिताते हैं ब्रह्मचर्य में। ये नहीं है कि बस पहलवान सीटी मारते डोले हैं, हवाबाजों की तरह जो गलियों में डोलते हैं ना वो आवारा कुत्ते, उनकी तरह नहीं रहते। इनका रुतबा कुछ और होता है, इनका जीवन संघर्षी जीवन होता है। सारे मल्ल यहीं लेटते हैं, यहीं बैठते हैं, यहीं बनाते हैं, खाते हैं, रहते हैं, इस बाग में दौड़ मारते हैं। और अखाड़े का सीन मैं भी दिखाने वाला हूँ आपको। देखो एक पहलवान ये नहारा और भी बहुत सारे पहलवान हैं नीचे। और जिस अखाड़े में मैं दिखाने आया हूँ ना आप लोगों को, यहाँ से ओलंपियन और बहुत सारे भारत केसरी और बहुत सारे अर्जुन अवार्डी पहलवान निकले हैं, ठीक है भाई। तो अखाड़े का एक सीन मैं अभी दिखा देता हूँ। गुरु जी का आशीर्वाद है इस अखाड़े को, जिस अखाड़े में मैं बात कर रहा हूँ आज खड़े होके। मैंने भी यहाँ 2 साल दिए इनके बीच, और मैंने भी नेशनल लड़ाई यहीं से। और भाई ये देखो एक चीज और बता दूं मैं आपको, ये बिल्कुल नेचुरल बॉडी है। कभी आप सोचो ये स्टोर से बहुत दूर बॉडी, ये यही जो दूध देखो पहले कितना रखा है पहलवान का, क्रेट रखी है, दूध दही घी की बॉडी है ये, इतनी तकड़ी। कभी सोच लो ये कोई जिमर की बॉडी नहीं है, ठीक है ना, ये मल्लों की बॉडी है। ये होते हैं देखो रियल पहलवान, देख लो। अब कितना ही बड़ा बॉडी पंप करके यहाँ पे आ जाए तो वो गलत फहमी में अगर यहाँ आ गया गलती से, तो ये चटका के हाथों को जो ना वहां बांध देगा पीछे पिछवाड़े से, ऐसा पहलवान है। लेकिन फिर भी मैं ये कह रहा हूँ कि पहलवान से मत भिड़ना भाई, बस क्योंकि उस वो तुम्हारे लिए हानिकारक हो जाएगा, चोट लग जाएगी मतलब, ठीक है। तो पहलवान भीतर का सीन दे दो थोड़ा। हाँ पहलवान जी, तो यहाँ सारे पहलवान रहे भाई, जैसे कि मैंने बताई ये भी रूम है पहलवानों को ही, और ये भी पहलवान को, ये राम राम भाई, ये संजय पहलवान है भारत केसरी, और ये इनका रूम है भाई। देखो अब ये सोचते हो कि पहलवान सफाई में नहीं रहते तो गलत फहमी में हो आप। देखो ऐसे भी रूम होते हैं पहलवानों के, देखो ऐसे मानो जैसे होटल का कोई कमरा हो, ठीक है। ये फ्रिज वगैरह सब जोर जगत सु रहे हैं पहलवान तो पूरे, देखो मजबूत लोग हैं यार। अब प्रोटीन प्राटीन कोई दिक्कत नहीं है, बस बॉडी देसी है। जैसे मैंने बताई कि ये जो जिम वाले हैं ये गलती से मत भिड़ लेना भैया, फिर हमसे मत बोलना, हाथ को चटका देंगे पैरों को, फिर अस्पताल में दिखोगे। मतलब कहने का ये है यहाँ मत भिड़ना, दुनिया में कहीं भी भिड़ लो, किसी को डोली दिखा लो, किसी को पट दिखा लो, यहाँ मत दिखाना कुछ भी, ठीक है। पहलवान चलते हैं, एक तरफा। तो भाई नेट के पीछे आ रहे हैं विक्की पहलवान जी को मैं चेहरा नहीं दिखा पाया हूँ। ये है वो विक्की पहलवान भारत केसरी जिनको मैं चेहरा नहीं दिखा पाया हूँ। तो आप थकली होगी भारत केसरी नाम सुनते सुनते, अभी तो 3-4 दिखाए और शायद अंदर मिलेंगे, उन्हें भी मैं दिखाऊंगा अभी, ठीक है। और रूम देख लो, कभी सोचते हो पहलवान गंदगी में रहे हैं तो ये तुम्हारी गलत फहमी है, पहलवान बहुत सफाई में रहते हैं, ठीक है। ओके पहलवान, तो भाई सुबह की डाइट चक्कू से बज रही है, चक्कू खा रहे हो ये देसी, कभी हल्के में ले रहे हो ये और ताकत की मत पूछिए, ताकत तो यहाँ सारे में ही है, ये प्रधान है अपना। अब अभी ले लो, ले भाई तुम भी ले लियो, ले आ जा, ले भी तैयार कर दी, अरे आजा भाई, निष्कांत कोच यूट्यूबर, ये गलती से झाड़ू लेकर आ रहा, झाड़ू मारती, झाड़ू मत मारिए ओए इंगे को, आ जा भाई, ये निष्कांत कोच है, ये मेरा पार्टनर है पुराना, बहुत बहुत ले लिया भैया भैया, ये अपना पार्टनर है, पुराना पार्टनर, कई दिन से मिलने को कह रहा है, आज मिल गए, आज हाथ लग गए। हाँ भाई, तो भाई ये है अखाड़ा, यहाँ से एंट्री है, ये है काड़ू जो जूस पिलाता है अखाड़े के बाहर। कितने टाइम से पिला रहे हो काड़ू? 25 साल से लगातार। और देखो उधार के लिए बाकायदा लिख रहा है, उधार मांग के सर में लाना था। एकमात्र ऐसा आदमी है जो इस बात को बोलने के बाद भी उधार देता है। तो कालू का बहुत बहुत धन्यवाद, आ जाओ भाई कालू। तो बहुत अच्छी आदत है भाई,
पहलवान को जब प्यास लगती है ना तो उधार के लिए मना करने के बाद भी उधार देता है। सबसे बढ़िया आदमी है, बहुत बढ़िया इंसान है। 25 साल से लगातार पहलवानों से जुड़ा हुआ एकमात्र ये जूस वाला है कालू। क्या केलों को क्या करेगा, हट सामने से। तो भाई ये रहे पहलवान कुछ, धर्मा पहलवान, ये सुमित पहलवान, ये गौरव पहलवान, और भाई ये देखो, ये है, ये अखाड़ा नहीं है, ये पहलवान बनाने की फैक्ट्री है। यहाँ देखो, यहाँ से पहलवान बनते हैं। देखो कोरे पहलवान, पहलवान ये देखो पहलवान, वो तिरी खतरनाक खतरनाक सारे। और भाई ये जो तुम भीड़ देख रहे हो ना आज पहलवानों की, ये जितनी भी पहलवानों की भीड़ है, जितने भी अर्जुन अवार्डी अर्जुन अवार्डी ओलंपियन या जितने भी पहलवान है ना यहाँ, जितने भी ये दिख रहे हैं खाते पीते डोलते, ये देन है बस गुरुजी की। ये है गुरुजी, गुरु हनुमान। हाँ ब्रो 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 सुमित पहलवान है, और ये भी भारत केसरी है। तो पहले भी भारत केसरी दिखाई हमने, और इस बार भी भारत केसरी, ये भी भारत केसरी है। और भाई जैसे कि मैंने बताया, ये है हमारे गुरु हनुमान, ये जो इन्हीं की देन है पहलवानी, इन्हीं से शुरू हुई है पहलवानी। बुनियाद जो बुनियाद धरी है ना पहलवानी की, द्रोणाचार्य अवार्ड। तो भाई एक और द्रोणाचार्य अवार्ड, दो द्रोणाचार्य अवार्ड यहाँ हो जाएंगे। अब दो छह आठ हो गए भाई। अब के मिला के कहीं तो द्रोणाचार्य अवार्ड देखने को भी नहीं है, और यहाँ आठ आठ है। और अर्जुन अवार्ड तो यहाँ इतने हैं, बहुत ज्यादा भाई, 22 अर्जुन अवार्ड, बल्कि ज्यादा है भाई, ज्यादा है। किसको भाई, ये तो जलवे हजार है। और भाई सुनो, महाबली सतपाल जी का नाम सुना है, वो गुरुजी ने तैयार किए थे, यहीं से सब निकले हैं। जो बड़े बड़े पहलवान, जो सुशील गुरुजी, सुशील के जो गुरुजी है ना, जो तैयार करते हैं पहलवान को, वो भी यहीं से खुद निकले हैं। यही अखाड़ा है वो भाई, जिन्होंने इतने बड़े पहलवान दिए हैं। ये चार वर्ग का नेशनल मेडलिस्ट है, जाति तो ब्राह्मण है, पागल है, बेशक लंगोटी के बराबर का आदमी है, लेकिन जल में हजार बिखेर रखे हैं इसने, कोई दिक्कत नहीं है। कमरा दिखा दे गुरुजी का कमरा। देखो ये गुरुजी का कमरा है, देखो भाई ये देखो भाई, सारे जितनी भी चीजें है ना वो सब यहाँ पे मिलेंगी देखने को। देखो गुरुजी ये रहे इंदिरा गांधी के साथ टाइम, तोमर पहलवान, और भाई देखो द्रोणाचार्य अवार्ड ये है भाई। ऐसा होता है, आपने कभी नहीं देखा हो तो मैं आपको दिखा दूं, द्रोणाचार्य अवार्ड ऐसा होता है। ये है द्रोणाचार्य अवार्ड, और अर्जुन अवार्ड यहीं पे रखा था पिछली बार, अब तो यहाँ पे देखने को नहीं है, लेकिन अर्जुन अवार्ड यहाँ बहुत सारे हैं, वो हटा के रख दिए कहीं, वो शीशे के उसमें होते हैं, टूट ना जाए इसलिए। ये जितनी भी गुरुजी हैं सब गुरुजी की देन है, बड़े बड़े पहलवान यहाँ पे। ये पुराना बैच है, वो ये पुराना बैच है, ये महासिंह राव कोच साहब है, ये द्रोणाचार्य अवार्ड है, और एक द्रोणाचार्य अवार्ड की घोषणा हो चुकी है, वो अब जल्दी में होने वाली है। भगत पहलवान भारत केसरी, इसमें लगभग लगभग जितने भी आपको देखने को मिलते रहेंगे बड़े बड़े पहलवान। बहुत फोटो है गुरु जी के, बहुत फोटो, बहुत यादें हैं उनकी आज भी इस अखाड़े में। तो भाई एक और चीज दिखा दूं, ये जापान के राष्ट्रपति हैं, जिन गुरु जी को जो ये सम्मानित कर रहे हैं ना, 5 लाख रुपए नगद दिए हैं। देख लो सोना उस टाइम पे, देख लो 21 तोले सोना दिया था उस टाइम पे गुरु जी को, 81 की बात है, और 1981 की बात है बाकायदा। ये देख लो भाई, 5 लाख रुपए कैश और 21 तोला सोना और गोल्ड मेडल जापान के राष्ट्रपति ने दिया था मंदी जमाने में। भाई गुरु जी की अलग ही बात है, हमारे लिए बहुत सौभाग्य की बात है, हमने यहाँ पे पहलवानी की, हमने 2 साल दी यहाँ पे। देखो यार इतनी चीजें देखने को नहीं मिलती यार, देख लो ये इंदिरा गांधी के साथ का है ना, उस टाइम का इंदिरा गांधी के साथ, सभी बड़े बड़े मंत्री संतरी नेता कोई भी हो, गुरुजी के लिए कोई बड़ी बात नहीं थी उस टाइम। गुरुजी का नाम था भाई, बहुत ज्यादा नाम था। जैसे कि मैं और दिखा दूं, अब पहचानो कौन है ये जो गुरुजी को सम्मानित कर रहे हैं। तो भाई बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ऊपर अटल बिहारी वाजपेयी, ये अटल बिहारी वाजपेयी जी का भी दिखाया था, तोमर पहलवान जी,
होली का टाइम है, होली का है ना शायद, हाँ होली का ही है ये, जब गुरुजी बच्चों पे मेहनत करवाया करते थे वो सीन है ये रहा, जब पहले गुरुजी ने बहुत भारत की सीन निकाली थी उस टाइम भाई, लाइन लग गई थी हिंदुस्तान में भारत की सीनियों की लाइन लग गई थी उस टाइम, जिस टाइम गुरुजी ने मेहनत करवा के यहाँ से पहलवान निकाले, बहुत पहलवान। गुरुजी के जो नियम थे ना वो बहुत हार्ड थे। तो भाई मंदी टाइम से देखो योगी जी भी सम्मानित कर रहे हैं गुरुजी को, सभी यार कोई भी हो, कितना ही बड़ा नेता हो, कितना ही बड़ा मंत्री संतरी कोई भी हो, भाई देखो गुरुजी थे, गुरुजी थे, गुरुजी की होड नहीं है बिल्कुल भी कहीं भी, उनका नाम पूरे जगत में है आज, बड़े बड़े पहलवान यहीं से निकले हैं, ठीक है। देखो देश की हस्ती ये है, देखो। तो भाई ये तो गुरुजी का रूम है, और आज अब दिखाते हैं आपको बड़े बड़े पहलवान का रूम। देखो ये भी भारत केसरियों का रूम है, इसमें भी भारत केसरी थे, ये सतपाल का था, सतपाल का, सतपाल पहलवान का रूम है, सतपाल पहलवान भारत के, सुभाष पहलवान और सतपाल पहलवान और फिर नवीन पहलवान, नवीन पहलवान तीन भारत के सीरीज में रह के जा चुके हैं, अर्जुन और सतपाल पहलवान को आप जानते हो, सुशील पहलवान के गुरु जो थे वो इसमें रहते थे, ये रूम है वो, ठीक है। अब आ जाओ आगे, ये हमारे कोच साहब का रूम है, महासिंह राव द्रोणाचार्य बॉडी, राजीव तोमर पे और राजीव तोमर पहलवान जी, उसके बाद है सुमित, ये भी भारत की केसरी हुआ और ये भी भारत की केसरी है, अब करंट का भारत की केसरी ये है, इसमें और उस टाइम के भारत की केसरी ये थे, ये राजीव तोमर पहलवान जी 45 में, सब जानते होंगे 45 पर के भारत की केसरी, सब जाने भाई, अखाड़े की मिट्टी में इस कमरों में भी एक अलग ही है, इस कमरे में भाई, अखाड़े में पूरे में आशीर्वाद है, तो कणकण में आशीर्वाद है, जो एक बार बढ़ गया भारत की केसरी बनेगा, नौकरी लगेगी पक्की बात है भाई, यहाँ देखा है सभी पहलवान की लगभग लगभग नौकरी है सबकी, और ये जो तख्त है ना ये राजीव पहलवान जी का है, ये कोच साहब का है, अब अगला वाला रूम दिखाएं, बहुत दिग्गज पहलवान, कृष्णा पहलवान कहाँ से हो आप, अलीगढ़ से, नेशनल प्लेयर देखो भाई, जिसको भी देखोगे नेशनल का प्लेयर है, कौन कहाँ से है, बस गुरु जी एक बात बोलते थे, कोई कहीं से भी हो, इंडिया और गोल्ड मेडल, बस इंडिया और गोल्ड मेडल से मतलब ये मतलब नहीं है कौन कहाँ से है कैसे है, इसमें भी ये तो चीज मान लो, हमने पूछ भी लिया इस भाई से कि तुम कहाँ से हो, गुरु जी ने कभी नहीं पूछा तुम कहाँ से हो, बस मेडल से मतलब है, ये लटक रहे मेडल, और ये बच्चे इसमें अनुज चौधरी, अनुज चौधरी का कमरा है, अनुज पहलवान जी का, यहाँ सुरजीत मान, द्रोणाचार्य वो द्रोणाचार्य और सुरजीत मान जो द्रोणाचार्य अवार्ड जिनको मिलने वाला है ना उनका तख्त ये है, रोटी खा लो भाई, ये अनुज चौधरी पहलवान डीएसपी है ना, हाँ। अब डीएसपी है, और एक पहलवान और थे संदीप राठी जो डीएसपी है, डीएसपी एक और पहलवान संदीप राठी इसी रूम में रहते थे, भारत केसरी और इसमें, और दोनों ये दो नाम है ना, ये ओलंपियन है, ये दोनों ओलंपिक के चैंपियन है, ये सुरजीत मान पहलवान और जो अनुज चौधरी पहलवान जी को जो हमने नाम लिया है, ये पालिंदर पहलवान है अलीगढ़ से, राजस्थान से, ये भी राजस्थान की नाक है, मैं इनके साथ रहा हूँ, ये सुमित पहलवान भारत के, दिखा दे, और अब आ जाओ इधर, ये भगत पहलवान जी का कमरा है भाई, बहुत ही दिग्गज पहलवान ये रहे भगत पहलवान, बहुत ही बड़े पहलवान भारत केसरी, कई बार के भारत केसरी रहे हैं भाई, कई बार के भारत केसरी, ये रूम है भगत पहलवान का भाई, देखो लेकिन ये रूम उस टाइम बहुत ही नए और बहुत ही अजब गजब रूम हुआ करते थे, अब तो इनकी कंडीशन थोड़ी वैसी हो गई है, अखाड़े में कंडीशन तो सबकी है अब ऐसी है हर अखाड़े में, लेकिन यार यहीं से निकलते हैं, कीचड़ से ही कमल निकलता है, तुमको सब पता है यार, बताने की जरूरत नहीं है, ये रसोई है पहलवानों की, बड़े बड़े पहलवान बड़े पहलवान हुए इसमें, रसोई में बड़े बड़े पहलवान राजेंद्र भाटी, बड़े बड़े पहलवानों ने यहाँ रसोई में रहते थे, यहाँ पे जो ना पहले जगह नहीं थी बिल्कुल भी रहने की, तो यहीं पे अपने गद्दे डाले, यहीं पे तकट डाले और यहीं पे खाना बनाया अंदर ही, ऐसे ही रहने सहना था पहले, और पहलवान बने वो आदमी, सब पहलवान बने, सबने मेडल दिए भाई, ये देख लो सब में पूरी भीड़ थी उस टाइम, और यहाँ पे लेटने बैठने की कोई जगह नहीं थी, तो इसलिए रहते थे कुछ पहलवान, जो आप आज की जनरेशन को देख रहे हो, मेरे बाबू ने खाना खाया नहीं, बाबू नहीं, यहाँ बाबू जी खाना खाते हैं, इतने बड़े बड़े पहलवान खाना खाते हैं, यहाँ बाबू सोना का सिस्टम नहीं है भाई, ध्यान रखना, देखो ये बाबू सोना के चक्कर में ये खा जाएगा यार एक बुक में किसी को, तो इसलिए बाबू सोना वाला सिस्टम यहाँ है नहीं। और इधर जो है पहलवानों की चल रही है मालिश, बढ़िया, आ गजब, बहुत गजब, कहा ना, बात
कहोगी तो मेरे बाबू ने खाना खाया पहले, बाबू खाना बनाया घर जब बाबू ने खाना मेरा पहले बाबू खाना खाना बनाएगा जब खाएगा तो बाबू ने खाना कैसे खा लिया बाबा आए बाबू का सीन तो लेते एक बार बाबू। अरे बाबू बेलन लेके कैसे लग रहे हो गजब। तो भाई हंसी मजाक और मस्ती होती रहती है अखाड़े में, इसके बिना टाइम नहीं कटता भाई। हाँ हाँ भाई बताओ बताए ना बाबू क्या हो। हाँ ये देखो भाई, ये देखो हल्के में लेते हो तो हल्के में मत लेना, फिर भारी भी है। ये देखो गलबे हजार, ओ भाई ये राजे सूरज मल के वंश से हैं, सिनवार बोलते हैं इनका, ये जट मल है अपने भरतपुर से। भरतपुर से हाँ, सूरज मल के वंशज है ये। पहले मैं 135 किलो वजन था, खाड़े मारने के बाद मैं 90 किलो वजन रह गया। अब तो आप इनका थोड़ा इंटरव्यू लो, आप ये पहलवान जी कुछ अपने बारे में बताओ। रोटी खाते खाते वो बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। जो भी खूबियां रही हो पीछे परिवार से अब तक की, वो सारी खूबियां दर्शाई जाए हैं वीडियो में, बताओ पहलवान जी। लेकिन देख के पता चल रहा है मल्लाई देखो, सूरज मल के परिवार से है, इन्होंने भरतपुर में इनकी बहुत तकड़ी हवा है। हाँ पहले ये तलवारबाजी सब कुछ जानते है, फिर इन्होंने तलवारबाजी छोड़ी तो ये मल्लाई में उतर गए। लेकिन अब इन्होंने वेट अपना 25-30 किलो कम किया है, और मल्लाई में भी काफी छाप छोड़ रहे हैं पूरे देश में। ऐसे नहीं खाते पीते कम करा, कढ़ाई में तो दाल है। कढ़ाई में दाल नहीं, ये खाते पीते हुए कम करना बहुत टैलेंट की बात है, टैलेंट तो है। और भैया को देखो, भैया में 135 किलो वेट है भाई, पहली बता दूंगा। ये देखो, ये और देखेगा, अब देखो एक बार धाड़ियो। हाँ ये बात बेजर ना, खाओ खाना रे भाई, खाओ खाना। नूगा रहा है हमारा युवराज। दो बात मार दे भैया, जब देखो भाई मैंने बताया ना खाड़े में हंसी मजाक चलता है, अब देखो दो बात कैसे लगेंगे। चल भी हजार आज अब ये दो बात मारी दो अपनी ओर से। हाँ कहाँ गए हो रे? अच्छा दो बात मार, ओ भाई बात मार गायब हो गए, तेरी बहन के चमचा लग गो। भाई गेट में भी ना आ रहा पहलवान, इधर बढ़ो देख लो। तो भाई जैसे हंसी मजाक के बिना यहाँ जी नहीं लगेगा भाई। ना भाई भारी पन में और ताकत में भी भाई एक तरफा। बाबू सोना ने खाना बना लिया और इधर भैया इधर चल रही है। बाबू अपनी कढ़ाई लेके जा रही है। तो शिल्पी ने बना लिया अपनी दाल, पांच मंजिल बनने वाले। ये सारे मजदूर हमारे पूरे दिन मेहनत कर रहे हैं, तेल लगा के धूप में बैठा है, एक बार इन्हें दिखा दे भाई। देखो कितने गजब लग रहे हैं हमारे पहलवान। ये मालिश कर रहे हैं भाई, ये देवा पहलवान। देखो भाई मैं मजदूर नहीं कह सकता, एक यो सारे पहलवान बढ़िया पहलवान है। देख लो मुंह ढक के बैठी है, सबकी बात भी है। सारी उरलावाड़े से मिस्त्री था, सीट लगा के ठाक ले जा भाई। मैं तो बहुत दिन बाद लौटा हूँ, क्या है ना मुंह दिखाई करवाओ, मुंह दिखाई करवाओ, मुंह दिखाई करवा दे। चल 21 रुपए। इनकी दुकान बताया असला मर्गी पे, तो सरिया का दुकान काम कर रखा। तो भाई सरिया की दुकान नहीं है, ये तो मजाक की बात है। मजाक की ना, सच्चाई में सरिया की दुकान। देख ले जंग रोधक सीमेंट, सरिया का जैसा ही हो रहा, देख ले एक बार 11 सूत का सरिया लगा लीड। अब फोन ना आ रहा किसी का भी, सूखी धल लियो। ऑर्डर आ रहा ऑर्डर आ रहा भाई।
500 बंडल आज ही भेजो, लेंटर पढ़ रहा हूँ। देवाला मोटी पीछे ठीक कले वीडियो चल रही है। भाई ऐसे ही रहे पहलवान तो लंगोटी में, लंगोटी में अच्छे लगे ये, लंगोटी में जमे बाजी बाजी तो लंगोटी में वो बांध रहा घूस मुस्सा। बाजी बाजी तो अखाड़े मारा बट कमजोर करके अपने घर चला गया, उनको मेरे बहुत टाइम चोट लगी। इनमें से कोई से नहीं कर्म करे होंगे, परिवार समेट बैठी है। नीरज तवर पेप्सू भाई इनका अलग इसका एक परिवार हो रहे। हमारे एक बच्चे में हाँ। कुत्ते की आवाज निकाल के दिखाएगा, बहुत तकड़ी। मामा डिमांड है, मामा डिमांड है, मामा डिमांड है। तो भाई इसी अखाड़े में इसी मिट्टी से निकले हुए सारे पहलवान, बड़े बड़े भारत के श्री, बड़े बड़े मल्ल, बड़े बड़े अर्जुन अवार्डी, सब यहीं से निकले हैं। ठीक है भाई, और मैं ढोल का सीन दिखाता हूँ अभी। पहलवानों को मालिश करने दो, इन्हें रिलैक्स रहने दो, इन्होंने जोर किए हैं आज। और मेहनत मेहनत जलवे हजार बिखेरती है, शाम सुबह दोनों टाइम मेहनत करते हैं भाई ये पहलवान। और ये है मैठोल भाई, देखो धर्मा पहलवान लौट रहे हैं, एक पहलवान ये लौट रहा, और ये मैठोल का सीन है। मैठोल में भी बहुत सारी गुरुज लटक रही हैं, आपको दिख रही होंगी, ये नहीं ये रहा। ये है प्रॉपर अखाड़ा, हनुमान अखाड़ा। ठीक है, ये है हनुमान अखाड़े का मैट, ये जिम है, ये इसी मैट से सब निकले हैं। और आपको एक चीज दिखा दूं भाई, ये जो जितने भी वो दिख रहे हैं, ये रहे सारे सारे बड़े बड़े पहलवानों के नाम हैं, ये पूरी लिस्ट में ये भी पहलवानों के नाम है, यहाँ पे भी पहलवानों के नाम है, इस लिस्ट में भी कितने अर्जुन अवार्डी रहे हैं सबके नाम है, कितने भारत के सिर रहे हैं इसमें सबके नाम है, ऐसे ही कहाँ कहाँ किस किस के बड़े बड़े लेवल पे मेडल आए हैं सबके नाम है। अब देख लो कितने सारे नाम हैं, यहाँ से और वहाँ तक चिट्ठा है इस अखाड़े का। महाबली सतपाल जो यहाँ से निकले हैं, वो खुद यहीं से निकले हैं और ओलंपिक के लिए बच्चे तैयार करते हैं, और यहाँ से भी ओलंपिक के लिए बहुत बच्चे निकले हैं। ठीक है भाई, तो ठीक है भाई पहलवानों चलते हैं आज, अब निकलते हैं यहाँ से। तो भाई जैसे कि हमने बड़े पहलवान को बताया था, बड़े पहलवान का खाना भी नहीं निमटा है कोई नहीं, तो पहलवान को चाहिए अभी 40-50 रोटियों को शिकार करके। देखो अभी ये पूरी दाल को निमटा के बैठा है, ऐसे होते हैं पहलवान, यही चाहिए हमको। ठीक है भाई, आगे का दिखाते हैं। ओके हरगिस पहलवान, ओके चलते हैं नेक्स्ट पहलवान। या ओके भैया, खाली भी हमने सब कुछ, हमें मैक्स भी हमें मैक्स। हाँ या ओके, तुम टेंशन ना लो, मैं अपने हिसाब से देख लूंगा। ओके कमेंट गलत ना आने तुम्हारे लिए, और बताओ चले भाई चलो। तो भाई चलते हैं अखाड़े से, आज का पूरा अखाड़े का जो ब्लॉग है वो पूरा हो चुका है राम जी, और गुरु जी के आशीर्वाद से हमारा ब्लॉग अच्छा चले। तो भाई ये बहुत ही पुराने दूध हैं इस अखाड़े के, ये दूध है बहुत पुराने अखाड़े के हिसाब से आया कर रहे हैं, बचपन से आने लग गए थे, आज तक दूध पिलाते आ रहे हैं अखाड़े के लिए, बहुत ही बढ़िया आदत है, सबको प्योर दूध दे रहे हैं, कोई पानी वानी का सिस्टम नहीं है इधर, जो पैसे में जो मर जमा दे बाबू। हाँ पैसा ना दे तो उसके लिए अगली बार से पानी लग जाता है, वो अलग बात है, वरना बढ़िया दूध देते हैं, पानी जब डालता है जब कोई पैसा नहीं देता। ये देखो ये पानी नहीं, कल कालू कभी पानी नहीं डालता जूस में, बर्फ के नाम चाहे 10 रुपए ज्यादा ले लेगा लेकिन पानी नहीं डालेगा, कालू का रिकॉर्ड है ये। अरे नहीं पानी नहीं डालता, मजाक, बर्फ के बहाने डालता है। गुरु जी का फोटो ये है, गुरु हनुमान अखाड़ा, उधर जो बच्चे मैंने दिखाए थे पहले वो उधर रहते है सारे, जो वो सीन दिखाई बार उधर जो पूरा ये ऊपर का है ना, वो सारे वहाँ पहलवान भर रहे हैं उसमें, वो जो पहले सीन लिया था वो सारा पहलवानों का था। ठीक है तो चलते हैं भैया घर चड्डा। ओके ब्रो बाय, राम राम। तो भाई सब कुछ दिखा दिया, आज का ब्लॉग करते हैं यहीं पे ख़त्म। तो भाई सभी को राम राम, बाय बाय।